अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल भाई? किदा हो सारे वीर भरा? ठीक, उम्मीद कर देंगे भाई जी तो सारे खरीदने वाला होगे। तो अगर जो कोई साडा वीर भरा किसी मुसीबत किसी परेशानी किसी बीमारी मुबतला है तो असं अपने रब तला के दुआ करते कि अल्लाह ताला तुहाडे वास्ते आसानियां पैदा करे जी, और अल्लाह ताला परदेसी वीरां वास्ते भी आसानियां पैदा करे जी। लो जी, अलहमदुल्ला काम तो पहुँच आए हैं। यह काम पिछे हो रहा जी, बन रहा पेट्रोल पंप, मत्ता बोलिया जाता जी इनू, तो इतने आए हैं। तीसरा चौथा दिन है जी अज, तो बस जरा खाना शाना खा के बाहर आए सी, गेड़ा शेड़ा जहा क्ढन, तो हूँ लग जाना भाई जी काम च। इंशाला फिर नाल नाल मुलाकात होंगी रहेगी। लो जी अलहमदुल्ला जी, काम तो आ गए सी टाइम नाल, भाई जी टाइम ही नहीं लगे अज। तो हूँ आए रोटियां लैन आया मलवेज नाल, नाले भाई जी दुध लैना क्योंकि दुध हो गया उत्थे एंड, पेटी अद्धी लई सी, भोले को पैसे नहीं है, पिछली दफा मार्केट गए सी अद्धी पेटी लई सी, भाई जी इस करके खत्म हो गई है। दुध एक डब्बा मिलता जी तकरीबन 7 रियाल का, तुम चेक करवा दें, लीटर का डब्बा है भाई जी, भाई जी असी अद्धे की सुबह चाह बनाई दी है, अद्धे की दोपहर टाइम, यानी कि दो टाइम बंदे चाह पीते। पहले कुछ जुबन दुध पूछना, जुबन जुबन दूध है, जुबन दूध नहीं यार, दूध का नाम भोला, सस्ता दूध नाम है ये वाला, ये चार दो ये लेना है, वो नहीं लेना, यह दुध लेके चलते भोला का सीधा होता है। ਇਹ ਦੁੱਧ ਭਾਈ ਜੀ ਸਸਤਾ ਹੈ, 5-5.5 ਰਿਆਲ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਭੋਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੈਕੇ ਚੱਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਲਮਰਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਂਦਾ। ਲੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਮੁਸੇਰ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਏਗਾ? ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਦਰਦ ਕਰਦੀ, ਹੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅੱਜ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰ ਯਾਰ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਦਾੜ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। अच्छा जी दोस्तों, अजकल एक वीडियो है कि सऊदी अरब की, अजकल बड़ी वायरल हो रही है जी, सोशल मीडिया से हर तरफ वो वीडियो ही आई हुई है। तो भाई जी उहदे च इंसाफ दिखाया गया है और आजज़ी, लेकिन भाई जी असीं तुहानूं इंसाफ भी अज दस दें उहदे बारे और जुल्म भी दस दें। भाई जी सऊदी का इलाका है नजरान, मुहम्मद बिन मुरसल सऊदी सी भाई जी, तो उन्होंने आपस कज़न के नाल कोई तलख कलामी हुई है जिदी वजह तो भाई जी वो को हो गया कतल, तो उन्होंने भाई जी 1 साल जेल च रहा है, उस तो बाद कोई फैसला नहीं हो पाया। तो भाई जी उन्होंने यानी कि इतों की हुकूमत ने उन्होंने आख्या कि अगर तुसी अपना कोई राजीनामा कर सकते जे तो कर लो, वरना सजाए मौत दिती जाएगी। तो वह होया भाई जी ये कि जिस इंसान को कतल होया सी, अपने ही कज़न का कतल होया सी जी, गल भाई जी जरा गौर ना सुनया जे, कि अपने कज़न का कतल होया सी, ते भाई जी उस पूरे कबीले दे जिन्ने भी यानी कि खानदान से उन्होंने भाई जी मुश्तरका फैसला किया कि असी माफ़ी मांगते हैं जाके, या भाई जी जो इस्लाम ने इस कतल की जड़ी रखी हुई है, कीमत रखी हुई है, वह कीमत असी अदा कर दें। तो भाई जी उन्हां दा तरीकाकार सी जिहड़ा माफ़ी मंगन दा, सुलह करन दा, वह हर इंसान ने पसंद किया। तो वास्ते कहते हैं कि कसीदे भी पढ़े गए, तो उन्होंने यानी कि अपने आप को झुकाया, गोडे अपने बन के कपड़े नाल, जो भी उन्होंने अपना पूरी कोशिश की कि सुलह हो जाए, जमीन ते लेटे भी उन्होंने बच्चों ने भी, कुछ सऊदियों ने अपने सिर च मट्टी भी पाई, यानी कि उन्होंने तरीकाकार एक ना मुख्तलिफ सी, पूरी दुनिया के तरीकाकार भाई जी मुख्तलिफ मिले। लेकिन बदकिस्मती
कि उन्होंने ना भाई जी सुलह की और ना ही माफ़ी दी। तो भाई जी वो फिर यानी कि गर्दन है जी उड़ा दी गई है। कतल जा बदला इतने कतल है और साढ़े इस्लाम ने भी भाई जी ये चीज़ नाफज यानी कि की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर च एक कबीला सी ते उन्हां दी औरत ने भाई जी चोरी कर ली सी। ते जदों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पता चलिया ते भाई जी हुक्म दिता गया कि उहदे हाथ कट्टे जा। लेकिन किसी ने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भाई जी दस्या कि ये कबीले इस कबीले की औरत है ते कबीला थोड़ा जिहा यानी कि सहंद है या जो भी है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्थे एक गल कही सी कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी ऐ चोरी कर दी तो मैं उहदे भी हाथ कट दिंदा। तो भाई जी इंसाफ होया जिहड़ा वो इंसाफ इत्थे चलदा है। हकूमत ने बिल्कुल इंसाफ किया है। खून का बदला खून भाई जी इत्थे जिहड़ा उहदा बिल्कुल उन्होंने साफ कतल का बदला कतल किया है। लेकिन भाई जी जुल्म की होया है कि मैं कहना कि जुल्म होया है कि इन्नियां माफ़ियां मंगन के बावजूद कीमतां पेश करन के बावजूद तुसी जुल्म देख लो कि अगले इंसान च इन्नी यानी कि नहीं हैगी अज मतलब कि उन्होंने माफ़ नहीं कर सके। इन्नी अकड़ सी उन्होंने हालांकि उन्होंने कबीला एक सी जिहड़ा कतल होने वाला सी उन्होंने उहदा कज़न लग्या है। लेकिन भाई जी मैं इत्थे चीज़ यही कहांगा कि यह जुल्म है। ठीक है वह कहिंदे ने कि उहदे को कतल करना नहीं सी चाह रहा लेकिन हो गया उहदे कोलों कतल। लेकिन भाई जी इन्नियां कीमतां पेश करन दे बावजूद ना उन्होंने कीमत वसूल की यानी कि एक्सैप्ट की और ना ही सुलह की तरफ आए। तो दूसरा भाई जी तुसी सोशल मीडिया से यह चीज़ तो देख ली है कि इत्थे इंसाफ है इंसाफ है। लेकिन भाई जी यकीन करो अज मैं आपके को एक गल ऐड करके दसदा तुहानू कि इत्थे जुल्म भी बहुत ज़्यादा है। तुसी सिर्फ सोशल मीडिया से खबर देख के किसी की कोई अच्छी वीडियो देख के किसी को पर्दे के पिछे छुपिया की है वो बारे तुसी बिल्कुल नहीं जान सकते। अगर तुसी इत्थे जिहड़े लोग रह रहे हैं तो भाई जी जुल्म है आपस नहीं कर सकते आपस च जुल्म भी नहीं कर सकते और इंसाफ भी इन्हों मिल जाता है। लेकिन किसी दूसरे मुल्क चो आए मुसलमान वास्ते इत्थे इंसाफ है जिहड़ा है लेकिन वो इस तरह नहीं जिस तरह इन्हों अपने मुल्क के जिहड़े रहायशी ने उन्हां वास्ते। भाई जी इत्थे बड़ियां मुश्किलात ने। कोई सऊदी किसी के भाई जी पैसे खा जांदा कागजात बनाने के पिछे कागज़ नहीं बना के दिंदा ते कोई भाई जी कम करा के पैसे नहीं दिंदा। इस तरह भी हो जांदा असी कई सऊदी ने जिन्हां दा कम कीता ते बाद च जिहड़े पैसे रह जांदे ने फिर नहीं दिंदे। ते लेकिन सिर्फ इंसाफ ही नहीं हैगा जुल्म भी हैगा इत्थे भाई जी जो मैं महसूस किया और मैं देखिया। कित्थे साडा इस्लाम इजाजत दिंदा भाई जी कि किसी मजदूर की मजदूरी ना दी जाए जुल्म नहीं है तो होर की है। यकीन करो कि इतने पता नहीं किन्ने लोग ने जिहड़े कहिंदे ने कि असीं फलाने सऊदी को भेजी इन्ने पैसे रह गए साढ़े इन्ने पैसे रह गए। इंसाफ भी है लेकिन इन्हों का कानून है जिहड़ा बहुत अच्छा है लेकिन भाई जी जुल्म भी है नाल नाल। लेकिन वह जुल्म है जिहड़ा वह दूसरे मुल्क चो आए इंसानों वास्ते है इन्हों के अपने मुल्क के जिहड़े ने सऊदी उन्होंने वास्ते इंसाफ भी है और जुल्म भी नहीं है। लेकिन साढ़े वास्ते भाई जी जिहड़े खारजी रह रहे हैं उन्होंने वास्ते जुल्म भी है तो इंसाफ है जिहड़ा वह भी एड्डी छेती नहीं मिलता। भाई जी ये मैं चीज़ नोट की इत्थे मैं क्या मैं आपके दोस्तों नाल शेयर कर दिया क्योंकि दोस्त सिर्फ अच्छाई ही दस रहे हैं तो यह बुराई तो नहीं मैं दसी लेकिन एक खामी है जी मैं इत्थे नोट की और तुहानू दसी। यकीन करो कि बड़ियां मुश्किलात इत्थे देखनियां पैंदियां ने। जिंदगी च वाकयात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वह यादगार बन के रह जाते हैं। मैं जो आया सऊदीया च मैं पहले भी गल शेयर की हुई है कि भाई जी अकामे वास्ते 2700 रियाल दिता 76 जरब दे के बना लो कि पाकिस्तानी किन्ने पैसे बनते हैं तकरीबन 3 लाख तो कम बनते हैं लेकिन शायद 2.5 लाख बनते हो पैसे दिते। लेकिन भाई जी वो पैसे खा गया तो कामा नहीं बना के दिता दोबारा नवा कफील किया उन्हूं पैसे दिते तो कामा ना बनने के बावजूद भाई जी कसूर किन्ना दा इन्हां सऊदियों का इन्होंने कामे नहीं बना के दिते लेकिन पैसे ले ले तो जेल च कौन जाते रहे खारजी बेकसूर जड़े ने। ठीक है अगर एक बंदा इलीगल तरीके ने रह रहा है वो अपने कागजात क्लीयर नहीं कर रहा तो उन्होंने सज़ा भी बनती है हक भी है इन्हों सज़ा दे। लेकिन एक बंदा इतने
अच्छे तरीके नाल कागजाती तरीके दे नाल रहना चाह रहे हैं, लेकिन वो कागज़ नहीं बना के दे रहे और जान के नहीं बना के देंगे। यकीन करो इक्कत गल है, ये नहीं है कि कोई हुकूमत की तरफों मुश्किल है, कोई हुकूमत की तरफों मुश्किल नहीं है, बस इन्हों के ईमान कमज़ोर ने जिन्हों लोगों के, वह बस इवें करते हैं कि पैसे लैके खा गए तो गल ना सुनी। तो गल मैं तुहानूं एक होर दसदा कि मेरा काम नहीं बनया, तो भाई जी चार पाँच दफ़ा मैं पकड़िया गया, शुरते खाने गया, गर्मी के दिन हूँ एक दिन भाई जी उन्होंने छड़िया तो बाहर ना गड्डिया के कोले पार्किंग दे कोले बैठ गया टैक्सी के इंतजार च कि टैक्सी आवे तो मैं वापस घर आव। तो यकीन करो कि कुछ अगर मैं कह के कुछ जिंदगी ऐसे वाकयात हो जाते हैं जिहड़ी तकलीफ भी देंगे ने और यादगार बन जाते हैं। ठंडी जी छां ते बैठा सी ते शुरता आया ते नाले पे जी उन्हें दबके मारे ते नाले ठुड्डा मारिया ते आंदा है चलो उधर। यह भाई जी हकीकत है कि जुलम साढ़े ते हुंदा है और ये हुंदा रहना है, भावें मुसलमान है जिहड़ा असी, मैं हमेशा गल करदा कि असी सिर्फ ना दे मुसलमान हाँ, काम साढ़े मुसलमाना वाले नहीं है। तो बाकी अल्लाह हाफज, जिंदगी रहे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होएगी, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग च मुलाकात होएगी जी।